और आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सैनी। गांव उमरी में गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 2 बजे भूमि पूजन का यह कार्यक्रम होने वाला है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गगन सांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गगन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी, कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, यानी कि उनका गृह क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। बिल्कुल हितेंद्र, नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जो है कुरुक्षेत्रा पहुंचेंगे, क्योंकि उनका क्षेत्र है, लोकसभा सांसद भी है कुरुक्षेत्रा से, और गांव उमरी के अंदर सरकार के द्वारा 5 एकड़ की भूमि श्री संत गुरु रविदास की याद में एक धाम बनाया जा रहा है, और 5 एकड़ की भूमि जो है सरकार के द्वारा जो है रविदास समाज को दी गई है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है खुद शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में जो है मौजूद रहेंगे। तकरीबन 1:30 बजे इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री गांव उमरी में पहुंचेंगे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और राज्यसभा सांसद भी वहां पर पहुंचेंगे, और कई गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर जो है पहुंचेंगे। गुला के विधायक ईश्वर सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे, और इसको लेकर समाज और कुरुक्षेत्र वासियों में काफी खुशी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है, और पहला दौरा ही संत गुरु रविदास धाम बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा 5 एकड़ भूमि का पूजन किया जाएगा, इसका आभार कुरुक्षेत्रवासी काफी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज 1:30 बजे जो है मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। जी हितेंद्र, किस तरह के इंतजाम स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर किए गए हैं गगन? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुख्यात इंतजाम जो है किए गए हैं, और भूमि पूजन जो 5 एकड़ में जो है की जाएगी, जो धाम बनाया जाएगा उसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूप से तैयारियां जो है की गई है। बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के काफी इंतजाम जो है कड़े इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं, और वही बात की जाए तो जो काफी गणमान्य व्यक्ति पूरे हरियाणा से और रविदास समाज से वहां पर जो है पहुंचेंगे, और सरकार और मुख्यमंत्री का जो भी काफी धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, और क्योंकि बहुत बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री आज जो है देने जा रहे हैं, भूमि पूजन 5 एकड़ की भूमि पर जो है किया जा रहा है, संत गुरु रविदास धाम जो है बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर कुरुक्षेत्रवासियों और रविदास समाज में भी काफी खुशी जो है देखने को मिल रही है, जो सरकार का आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि पहला दौरा है सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र का, तो जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं नायब सिंह सैनी से जुड़े हुए, अपने मुख्यमंत्री के स्वागत में किस तरह से वो उत्सुक हैं स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री का? बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जब सीएम बनने का नाम अनाउंस हुआ था, तो उसके बाद पूरे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर काफी खुशी का माहौल जो है बन चुका था, क्योंकि ऐतिहासिक दिन था, कुरुक्षेत्र की भूमि से पहली बार कोई मंत्री जो है मुख्यमंत्री बन रहा था, तो इसको लेकर तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, उनके रिश्तेदार और कुरुक्षेत्र वासियों में काफी उत्साह था, और आज पहला दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, तो इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, लोग है, कुरुक्षेत्रवासी है, इस कार्यक्रम में जो है पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए भी लगातार जो है पहुंच रहे हैं, बम पटाखों से जो है मुख्यमंत्री का जो है स्वागत जो है ढोल नगाड़ों से जो है आज कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया जाएगा, और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, तो इसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां जो है की गई है। जी हितेंद्र, गगन क्या यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम नायब सैनी? बिल्कुल, देखिए अभी तक इस तरह की जो जानकारी देखिए सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा इंतजाम जो है किए गए हैं कि नायब सिंह सैनी जो है जो लोग हैं जो पहुंचेंगे उन्हें जो है संबोधित भी जो है करेंगे, इसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां की गई हैं, लोग भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासन के द्वारा इंतजाम इस तरह के किए गए हैं, और बात की जाए तो मैंने जिस तरह से बताया कि संत गुरु रविदास धाम का जो है भूमि पूजन
के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार के द्वारा 5 एकड़ की भूमि संत गुरु रविदास धाम के बनाने के लिए जो है गांव उमरी में दी गई है, तो इसका आभार जो है कुरुक्षेत्रवासी और जो लोग हैं रविदास समाज से वो काफी आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी खुशी भी जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि एक संत की याद में जो है धाम बनाया जा रहा है। तो सरकार को लेकर तमाम जो लोग हैं वो भी काफी खुश जो है देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कुरुक्षेत्र के दौरे पर आज रहने वाले हैं और कुरुक्षेत्र में एक नई सौगात गांव उमरी के लोगों को कहीं ना कहीं ये मिलने वाली है। एक क्षेत्र में गुरु रविदास की याद में एक स्मारक का निर्माण वहां पर होगा और उसी के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा।